पीपल वेलकम बैक टू द चैनल और आप देख रहे हैं अलीम्स गुड लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड। लेपर्ड वाली लेपर्ड। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे 3 इन मुक्तेश्वर। अभी फिलहाल 8:30 हो रहा है सुबह का। बालकनी से व्यू इस तरीके का, कल रात को दिखाया था कि लेकिन रात को रोशनी नहीं थी इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज का जो हम लोगों का प्लान है वो है अभी हम लोग इधर से चेकआउट करेंगे, 1 घंटे में तैयार होकर फिर जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। करीब 4 घंटे का रास्ता है, बस वहाँ जाके जंगल सफारी करेंगे, वहाँ चेक इन करेंगे, होटल में सामान रखेंगे, सफारी करेंगे, फिर एक दिन कॉर्बेट में स्टे करेंगे और उसके बाद बैक टू दिल्ली। अब हम लोग करने वाले हैं चेकआउट। 4 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। बहुत तो आरफ भाई को पीना थी कॉफ़ी, हम लोगों ने नहीं पीने थी क्योंकि हम लोग लेट हो गए, कॉफ़ी बनने में भी टाइम लगता है। अभी अभी चलते हैं, रास्ते में कहीं रोकेंगे, वहाँ चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट लेंगे हैवी सा। गाड़ी बढ़ गई इसकी है यार। मैं भी अपनी बंदी को लेकर आने वाला हूँ घर पर। यहाँ आ गए हैं, अभी करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट। अरे भाई, दिस वाज़न्ट एक्सपेक्टेड भाई। पूरे 92 स्टार्स लगाने के लिए आ गए हैं हम। 3 कॉफी कर दीजिएगा, तुम्हें भी कॉफी चाहिए ना? चाय भी। हम कॉफी तो तुम भैया 2 चाय हैं 3 कॉफी हैं भैया, डबल शॉट एस्प्रेसो कर दीजिएगा भैया। इसलिए इसलिए बोलते नहीं है, यही तो वो है। क्या बोला भाई, कुछ तो बोलो मजा नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। ओके तो खाओ ना, तुम खाने पराठा आएगा जब खाना नहीं तो नहीं। केवल स्प्लिट वाइज स्प्लिट वाइज हो जाए। जा रहे हैं वापस से, कहां जा रहे हो? बैक टू द ट्रिप। ट्रिप में रह के बैक टू द ट्रिप जा रहे हैं। अब सीधा लंच करेंगे यार। पता नहीं आप लोग ये आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ये यार पता नहीं क्या है, झींगुर वगैरह की इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है पूरे रास्ते में। कहते हम 4-5 किलोमीटर से आवाज़ सुन रहे हैं, इतनी मस्त लग रही है। सो पीसफुल। सो अभी आरिफ लोगों को कॉल आया, वो लोग शायद से रास्ता भूल गए, भूल गया मतलब पीछे चल रहे थे कहीं पे, रह गए हैं तो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा रुक कर। मैं और तबरेज हूँ साथ में। यार मेरे ये पोर्शन हल्का सा इधर पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, मे बी हेलमेट की वजह से हो रहा है। मैं गाड़ी के बाद सुनकर बता सकता हूँ कि ये लोग आने ही वाले हैं जस्ट, और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। गाड़ी की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, लेट्स सी आने वाली है। बंद करो जरा थोड़ी। हाँ तो भैया क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार ये लोग आने वाले हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ये लोग आधे घंटे पीछे है यार, अभी लेटे हैं भाई। भाई कल सुबह निकल चलेंगे ना? तुम्हें क्या लग रहा है? भाई हमें तो लग रहा है कि तुम लोग कहीं और का प्लान बना लोगे, क्योंकि तुम लोग लोकेशन देखते हो तुरंत प्लान। अगले बंदे की कल की ट्रेन है भाई, 31st की राइट नाइट की वापस जा रहा है, इसका एग्जाम है और ये इधर घूम रहा है पहाड़ों में, एग्जाम देगा और कल जाकर। सो जब तक हम लोग इनका वेट ही कर रहे हैं तो एक टाइम लैप्स ही देख लेते हैं बादलों का, बहुत प्यारा आ रहा है। ओह थैंक यू सो मच। भाई एक नंबर लोकेशन है, पीछे देखो टॉप पे एकदम बादल हो रहा है। एक नंबर रील बनाई, देखना जाके इंस्टाग्राम पे, बहुत ही अच्छा, फॉलो भी कर लेना और तो यूजर नेम साइड में लिखकर आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। क्विक लंच करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं, बस अभी वाली सफारी कर लिए। गाड़ी भी पीछे उधर पे खड़ी हुई है, सामान भी हम लोगों ने रख दिया गाड़ी में। तो खड़ी है गाड़ी साइड में, खड़ी यही गाड़ी है, जा रहा है, देखते क्या देखने को मिलता है आज। तो जर्नी अब हो चुकी है स्टार्ट, फन भी होने वाला है स्टार्ट, तो सब कुछ हो चुका है स्टार्ट। Woo! Woo!
भाई वीडियो में क्लिक तो कर लिया था। कच्चा बादाम दे दो भाई। भैया आइसक्रीम दे दो, चूसने के लिए। सर भैया क्या नाम है आपका? गणेश फरतियाल। गणेश फरतियाल। फरतियाल आज जो हम लोगों की गाइड रहेंगे वो रहेंगे गणेश भैया। तो गणेश भैया क्या देखने को मिल सकता है आज, चांसेस हैं? सर हम आपको वाइल्ड लाइफ जंगल देखने को मिलेगा, नेचुरल जंगल पूरा मिक्सअप, पूरा डीप एंड डार्क जंगल देखना मिलेगा, उसमें आपको अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। सो लेट्स गो। ये आइसक्रीम तो नहीं मिलेगी? तो अभी अली हम लोगों को व्यूज देखने को मिले हैं जस्ट सामने। तो अभी अली हम लोगों ने मोड स्पॉट करा है जस्ट सामने। ये फटा है इससे यार, ये चाहिए हल्का सा कटा है। कैसा है भाई? मारो भाई यार। इतनी बुरी जनता की नियत लग गई नीचे। जनता की नियत लग गई, सब्सक्राइबर हो यार मेरी ना। हम लोगों को व्हाइट स्पॉटेड हियर देखने को मिले हैं। कश ये क्या कर रहे हैं यदु? बस द लव ऑफ माय लाइफ द लेडी कनेक्ट द लेडी सेल्फ। भाई बकरियां देखने को मिल रही हैं, बकरियां देख, भैंसे देखने को मिल रही हैं, कुत्ता भी देखने को मिल रहा है, जंगल सफारी करने आए हैं, जिम कॉर्बेट में इंसान भी देखने को मिल रहा है। अभी हम लोगों को इधर ना बहुत प्यारी सी चीज देखने के लिए इधर पे हम लोगों ने अभी अभी भैया मुर्गे हल्का हल्का उड़ते हैं, जंगली मुर्गी देखने को मिली है। और ये देखो कैसे कर रहा है। दो मोर देखने को मिली है अभी अली, एक मुर्गी और देखने को मिली है जंगली, तीन मोर भाई, ये भाई मधुमक्खी के चलते देखने को मिल रहा है। देखे हैं लेकिन इधर पे देख नहीं, इधर पे देख रहे हैं। 5,000 रुपए दिए तो मजा आ रहा है, 5,000 रुपए दिए तो मजा आ रहा है। किंग फिशर देखने को मिली है, लेट्स होप आगे भी बहुत कुछ देखने को मिले। साला वीडियो अब चालू हुआ। तो फाइनली हो गई है जंगल सफारी कंप्लीट, ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्या बताऊँ यार 5,500 रुपये बर्बाद हो गए ऐसा लग रहा है। बाय बाय बाय। प्लान करा है कि इधर पे पास में शेर पंजाब है, उधर जाके हम लोग डिनर करें। और आज हम लोग ये रिवर साइड देख रहे हैं, इधर पे एक पास में ही होम स्टे देखा है रिवर के किनारे है, तो सोच रहे हैं कि उधर पे जाके रुके और उधर ही पे आज रात को क्या भी शाम को आए बढ़िया मस्त रिवर में एकदम डुबकी उबकी मारे। ये यहाँ का ब्रिज है जिम कॉर्बेट का, इधर ही इसके लेफ्ट हैंड साइड से सफारी होती है पूरी। तो हम लोगों ने अपना डिनर लंच जो भी बोल सकते हैं अपन बीच का कर लिया, बहुत ही मस्त खाना था एकदम। जा रहे हैं होम स्टे पे, गाड़ी रोकी जस्ट, हम लोग होम स्टे में जा रहे थे और सी सो फास्ट सो गुड। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम लोग? मकड़ी देख रहे हो फ्रेंड्स? प्लान में एक स्लाइट चेंज हुआ है, हम लोग अभी रुक रहे थे होम स्टे में रिवर साइड, लेकिन अब ये प्लान बनाया है कि हम लोग करेंगे ओवरनाइट जर्नी और हम सब लोग जा रहे हैं वापस से दिल्ली। पहले ये लोग जा रहे थे अपना आगरा, फिर एक बंदा जा रहा था ईशान जा रहा था लखनऊ कर्श को लेकर, लेकिन अब सब मेरे साथ जा रहे हैं दिल्ली। मैंने भी बोल दिया चलो ठीक है अब चलते हैं, क्यों टाइम पर बात करें, कल सुबह तो निकल नहीं रहा, नाइट जर्नी कर लेते हैं। लेट्स गो, सो फास्ट सो गुड। वाइजर बंद करके नहीं चला रहे हैं क्योंकि ये जो वाइजर है एक्चुअली में इसके आगे जो विनाइल लगा हुआ है उसकी वजह से रात को दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ गए, हेलो, हेलो एवरीवन, सही सलामत।
घर आ चुके हैं सेफली एकदम। रात को हो रहे हैं 3, जो पहाड़ों से व्यू देखने को मिलता है वो मेरी बालकनी से भी देखने को मिलता है। दैट्स ऑल, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छी शानदार रील्स भी डालने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी सोने जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।